जी, बहुत शुक्रिया। आप सब मेरे लिए रुके थे, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, अभी दोबारा से लाइव जाएंगे और जल्दी से ज्वाइन करते हैं। निखिल नास को सिराज अली खान जुड़ गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका सिराज भाई। अयान जुड़ गए हैं और अर्विना भी जुड़े हैं। वेदांत आ गए, सुंदर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिसबा आ गए हैं, मैं रिक्वेस्ट देखता हूँ। पवन साहब आ गए, पवन हेलो, आपका शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। हाँ अरे जी, आइए आइए। फाइनली मैं थक गया। मैं इतनी बार मैंने ट्राई किया, मैंने बोला पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई आज। आज बहुत जो भी देर मैं, कर दी, मेहरबान आते आते। अरे नहीं, मैं आपको नहीं रिक्वेस्ट भेज रहा था, बार बार भेज रहा था, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्या है, तो मैंने फिर व्हाट्सएप भेजा कि समझ क्या रहा हूँ, समझ रहा हूँ आपकी बात। एकदम क्या हाल है, सब कुछ ठीक है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। आप बताएं, इस वक्त हम थोड़े आजकल इंडिया पाकिस्तान को लेके माहौल बड़ा गर्म है, तो उसमें आजकल अच्छा, थोड़े, हाँ इंडिया बहुत, पाकिस्तान को लेके, अभी वो ओहो, स्टैंड ऑफ हो गया ना थोड़ा सा, कि भाई इंडिया जाएगी नहीं जाएगी, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्या कह रहा है, मतलब इस वक्त हॉट न्यूज चल प्लेयर रही है। प्लेयर तो कह रहा है कि मुझसे मत पूछो, वो गवर्नमेंट का और बीसीसीआई का निर्णय है, तो हमें हमें इन्वॉल्व मत करो, ऐसा प्लेयर बोल आपने रहे हैं। तो उसको कहीं मैंने देख कमेंट ली? पढ़ा था किसी का। नहीं, मुझे लगा आपने रील देख ली, स्काई की रील देख ली, इसका मतलब है ना। स्काई ने बोला है शायद किसी फैन को कि मुझे मुझसे मत पूछो, मुझे इस हाँ बारे में हाँ जानकारी नहीं है। उनका भी कहना ठीक है, वैसे ये प्लेयर्स के हाथ हाँ में तो वैसे है नहीं। हाँ वो पाकिस्तान के कोई फैन थे, उनको मिले, उन्होंने पूछा भाई, तो हाँ वो ये पहले रोहित शर्मा भी कह चुके हैं अगर आपको याद हो, उनसे पूछा गया था एक टूर्नामेंट में, उन्होंने कहा भाई हमारा काम है खेलना, अगर हमारा बोर्ड कहेगा यहाँ जाओ खेलो, हम पहुंच जाएंगे, ये हमारा काम है, वही हम करते हैं। तो कुछ वैसा ही वो भी कह रहे थे वो, लेकिन अभी कुछ अगले दिन तक चलता रहेगा वो, आई थिंक बीजीटी भी चल रहा होगा, ये मामला भी है, साइड बाय साइड चलता हाँ रहेगा, तो वो है इस वक्त। लेकिन नजरें बीजीटी पे है, पर्थ की पिच पे है, पर्थ के पिच के क्यूरेटर के मैं कोट्स पढ़ रहा था, उसने बोला अब भाई ये पर्थ है, तेज तर्रार पिच बनेगी यहाँ, जैसे पिछले साल भी देखने को मिली थी यार तेज तर्रार पिचे, तो वैसी पिच में बनाऊंगा, फिलहाल पिच वहां कवर्ड है, सीक्रेट की तरह उसको छुपाया जा रहा है, किसी को तस्वीरें खींचने का मौका नहीं मिल रहा है। ओ लेकिन अच्छा, हाल हाँ हाँ हाल में हमने वो लेकिन देखा था, जो ओडीआई मैच हुआ था ऑप्टस स्टेडियम में ही हुआ था पाकिस्तान का, हाँ आर एस हाँ राव नसीम शाह आग उगल रहे थे, तो मतलब इस बार आपको जो पर्थ है और जो गैबा है और एडिलेड का पिंक बॉल टेस्ट है, वहां तेज गेंदबाजों का बोलबाला होने वाला है, तो उस तरह से शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है, तैयार है इंडियन बैटर्स पेस बैटरी के लिए, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए? यार, ये अब वो डर खत्म हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया का डर खत्म हो गया, अब कि ऑस्ट्रेलिया जाना है भाई, वो डर गया। अब हम माहौल इसलिए ऐसा बना है क्योंकि इंडिया हार गई अभी घर पे, ठीक है, इंडिया हार गई 3-0 से। विराट कोहली के रन नहीं बने, प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, बल्लेबाज का स्कोर बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसलिए एक माहौल बन गया है। लोग ना अब देखना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया कैसा जवाब देगी, ठीक है। मेरा मानना है कि इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया जाने से डरती नहीं है। एक जमाना था पहले कि वहां ना अब फास्ट पिचेस मिलती, बाउंसिंग पिचेस मिलती, जब सचिन कैप्टन थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बुरा टूर था, बहुत खराब भी खेले, पर अब अभी क्या है ना, इंडिया इतनी बार वहां ट्रेवल कर चुकी है, वहां लोग इंडिया के मैच खेलते हैं, वहां विराट कोहली पहले भी खेल चुके हैं, वहां इंडियन टीम पहले खेली, पिछली 2 बार तो बीजेटी हम जीत चुके हैं ना, 18-19 की बात करो और 21 की बात कर लो, तो ऐसा नहीं कि हम नो। अब वो क्या है कि ना, उछाल भरी पिचेस हैं, बाउंसर मारेंगे स्टार्क और कमिंस और हेजलवुड, पर प्रॉब्लम ये है कि उछाल भरी पिचेस से कोई डरता नहीं है, बाउंसर से आप पुजारा जैसे बल्लेबाज के हेलमेट पे मार दोगे, चेस्ट पे मार दोगे, उंगलियां तोड़ दोगे, पर मैच नहीं जीत पाओगे आप। पुजारा अपना काम 70 बना जाएंगे, तो वो पिछली बार हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया इस भाव से ना खेले कि इस बार भी तोड़ेंगे, बाउंसर मारेंगे, शॉर्ट बॉल पे ना टेस्ट करेंगे,
अगर उस भावना से खेलेंगे ना तो तीसरी बार जो लगातार जो हार मिलने वाली है, ये आप तय मान के चलो। न्यूजीलैंड क्यों जीतती है, न्यूजीलैंड क्यों हरा के गई यहाँ पे, न्यूजीलैंड ने कभी डराया नहीं इंडिया को। आज अगर विराट कोहली देखते हैं तो सर पे मारेंगे, तो कभी डराते नहीं है वो। वो अनुशासन से गेंदबाजी करते हैं, वो कहते हैं भाई मैं अच्छी बॉल डाल रहा हूँ और मैं दिन भर डालता रहूंगा डालता रहूंगा डालता रहूंगा। आप में अगर काबिलियत है तो डिफेंस भी दिखाओ, ड्राइव भी दिखाओ, अच्छी कॉलिंग करो। ये सब करने के बाद 100 100 बनते हैं। ये न्यूजीलैंड कर बोलती है हमारे अगेंस्ट अगर स्कोर करना है तो। ऑस्ट्रेलिया अगर बोलेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया ने भी सेम काम किया, न्यूजीलैंड को कॉपी करेगी कि भाई 9 लेंथ आगे बॉल डालेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, विराट कोहली को बोलेंगे भाई छोड़ते रहो एक बॉल अंदर लेके आएंगे, टांग पर ज्यादा बॉल नहीं डालेंगे। अगर अनुशासन बॉलिंग में दिखाया, एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया है। पर अगर वो डराएंगे, जो क्रिकेटर की बात करी आपने कि ना, बहुत ग्रासी पिच है, पर्थ है, उछल के आएगी बॉल, बहुत कैरी है, मैं समझ सकता हूँ, अच्छी बात है, पर इंडियन टीम डरती नहीं बाउंस से। तो ये आप कह रहे हो वही, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है ना, न्यूजीलैंड प्यार से जीतती है। प्यार से आ रहा है न्यूजीलैंड ने प्यार नहीं। वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है, वो मुझे मंकी गेट वाली सीरीज भी याद आती है, वहां उसके बाद इतनी इंटिमिडेशन करने की कोशिश की, डराया गया है ना, भाई ये मामला हो गया, हियरिंग हुई, उसके बाद मैंने देखा ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बहुत दबाव बना रही थी इंडियन टीम के ऊपर, फिर कैसे दबाव बनाया, वो पर्थ है अगला मैच तो पर्थ है, पर्थ में आपको दिखाएंगे ये होगा, जितना आपने दबाव बनाया नतीजा ये हुआ, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया जाके वो मैच हार गई थी। तो ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि जब जब आप डराते हो ना, वो कहते हैं कि वो नेवर पुश अ टाइगर टू अ कॉर्नर ना, एक कोने में आप उसको ले जाओगे तब वो अटैक करेगा, छोड़ हाँ दोगे बिल्कुल, उसको वो घूमता रहेगा अपना है जंगल में या कहीं भी। पुजारा की पारी आप देख लो ना, पुजारा को कितनी बॉलें लगी है वहां पे, कितनी बॉल यहाँ चेस्ट पे खाई, पर विकेट तो इतना लंबा नहीं होता ना, विकेट की हाइट छोटी होती है कमर के आसपास, तो वो लेंथ पे बॉल डालोगे तो आप क्वाड इवेंट भी करा सकते हो। अगर वहां पड़ के बॉल अंदर आई तो बोल्ड LBW, ये जो 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 गुड लेंथ बोलते हैं, गुड लेंथ की बॉल, वो टेस्ट मैच की रेसिपी है बॉस। अगर आपने सोचा कि यहां से बॉल निकाल दूं, हाँ नो क्या बोलते हैं, स्मेल द लेदर, स्मेल द लेदर। हाँ अगर उस फंडे से इस बार खेले दोबारा से, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, मैंने आप क्योंकि आपके दोस्त यार भी हैं टीमों टीम में, विराट कोहली को भी आप अच्छे से जानते हो, विराट कहाँ है? विराट सबसे पहले चले गए थे फ्लाइट लेके, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे, लेकिन आज तस्वीरें आई हैं अभ्यास की, विराट नहीं नजर आया। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो जानता नहीं क्या हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं उन्होंने तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं उन्होंने कहीं नेट बॉलर बुलाए हुए हैं, कहीं वो अलग से अभ्यास कर रहे हैं, कुछ दिन पहले भी गए हैं। आपको लगता है कि इस सीरीज के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज? देखिए, जिनका ये मानना है कि विराट कोहली ना बहुत खराब खेलने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, विराट कोहली का फॉर्म वापस नहीं आएगा, विराट कोहली का डू और डाई सीरीज है, अगर अच्छा नहीं खेले और इंडिया हार गई तो शायद विराट कोहली आपको आगे ना दिखे, शायद सिलेक्टर्स को बड़ी कॉल लेनी पड़े, शायद गौतम गंभीर बोले भाई चलो ठीक है हम नए के साथ जाएंगे, ऐसा बहुत लोग के जहन में आ रहा है, सबके जहन में आ रहा है। पर मेरा मानना है कि विराट कोहली बहुत उम्दा खेलने वाले हैं, उसका रीजन बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि टर्निंग ट्रैक पर नहीं खेल पा रहे, सबको पता है घर पे खेलते हैं, वो लेफ्ट आर्म पे आउट हो रहे हैं, ऑफ स्पिन पे आउट हो रहे हैं, उनको लेंथ जज नहीं हो रही, आगे की बॉल पीछे खेल रहे हैं, कभी कभी बहुत आगे खेल रहे तो शॉर्ट लेग पे आउट हो रहे हैं, स्पिन नहीं खेल पा रहे। पर ऑस्ट्रेलिया में क्या ना, इतनी बार विराट कोहली वहां गए हैं और उनको एग्जैक्टली पता है वहां क्या होने वाला है, और ये अच्छी बात है कि वहां 10 दिन पहले पहुंच गए, हालांकि ट्रेनिंग करने अभी नहीं आए तो रिकवरी कर रहे, जो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है कि वो जो जो भूख है, जो हंगर है, जो जुनून है, वो अभी से वहां लेके पहुंच गया कि 10 दिन पहले पहुंचे, नेक्स्ट करेंगे लगातार तैयारी करेंगे, और वहां पहले खेले हैं पर्थ में 2018-19 में, शतक आए थे उनके बल्ले, सेम पिच सेम पिच पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाउंस तो वहां भी था, उस टाइम भी था, गेंदबाज सेम थे, सेम गेंदबाजी है जो पिछली बार भी थे, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस और नेथन लैंड, ये हमेशा रहते हैं उनके पास। तो मेरा मानना है कि विराट कोहली को अगर दुनिया की जो बेस्ट पिचेस है ना, या बेस्ट कंट्री है टूर करने के लिए, या उनकी पसंदीदा कंट्री है, वो ऑस्ट्रेलिया उनमें से पहले नंबर पे आती है। न्यूजीलैंड पे बॉल में स्विंग करता है सीम करता है, इंग्लैंड में बॉल स्विंग करता है सीम करता है, इंडिया में बॉल आजकल टर्न करता है, यहाँ भी मुश्किल हालात बल्लेबाजी के हो गए हैं, पर सबसे अच्छी कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में होती है। उसका रीजन क्या है, कुकुबरा बॉल ना ये 15-20 ओवर के बाद ना उसका सीम फ्लैट हो जाता है,
आपने अगर नया बॉल निकाल दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि जायसवाल या रोहित शर्मा अगर खेले पहला टेस्ट मैच, या केएल राहुल खेले, उन्होंने 15-20 ओवर निकाल दिए, विराट कोहली बैटिंग करने आ रहे हैं, इतनी अच्छी जगह बैटिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इतनी शॉट लगा सकते हो। अगर पिछली बार का टेस्ट मैच आपको याद होगा, वहां भी विराट कोहली ने ऑन ड्राइव लगाई, कवर ड्राइव दिखा, उसके बाद उन्होंने ओवर पॉइंट छक्का भी लगाएगा, मतलब आप हर दिशा में शॉट मार सकते हो, ऐसी पिच है ऑस्ट्रेलिया की, हर जगह शॉट मार सकते हो। अगर सेट हो गए, अगर हमें टाइम दे दिया, नया बॉल निकाल लिया, थोड़ा सा वक्त जाए आपने बिताया पिच पे, तो आपको रन भरपूर मिलेंगे। इसलिए मेरा मानना है विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते, मुझे याद नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया में वो आउट ऑफ फॉर्म हुए कभी कि हाँ लगातार स्कोर नहीं बनाओ। हालांकि पिछली बार भी एडिलेड में जो हम हारे थे वहां एक टेस्ट मैच खेले थे, वो वहां भी 70 बना के फिर घर वापस आए थे वो, तो ऐसा नहीं कि एडिलेड में वो सीम होता है तो आउट हो जाते हैं, पिंक बॉल से स्कोर नहीं होता, या पर्थ में स्कोर नहीं कर पाते। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में याद है अगेंस्ट पाकिस्तान, जो T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, वहां भी छक्का लगाया था हरीश रावत को, सबको याद है। तो मेरा मानना है ऑस्ट्रेलिया जो पिच है ना वो विराट कोहली की को भाएगी, हालांकि दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है, पर 80 शतक बना चुका है बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में, 80 शतक, 50 तो ओडीआई में, 29 टेस्ट में, 1 T20 आईज में बना चुका है, ओवरऑल 80 शतक जो बना चुका होता है ना उसको एग्जैक्टली पता होता है कि अब क्या रिक्वायर्ड है, अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है। 10 दिन की प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद बोलेगा भाई आज वो पर्थ में मैं तैयार हूँ। अच्छा, विराट कोहली की बात हो गई है, आपको कोई है जानकारी, रोहित शर्मा वहां जा रहे हैं पहले टेस्ट के लिए, नहीं जा रहे, किसी को नहीं पता भाई, कोच को भी नहीं पता, गौतम गंभीर से ही पूछा गया, नहीं आइडिया। अच्छा, क्या आप ये सिनारियो आपको कैसा लगता है, ठीक है कि पहले टेस्ट से पहले आपको पता नहीं है कि वे कैप्टन होंगे नहीं होंगे, टीम पे क्या असर पड़ता है? सिनारियो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पिछली बार जब विराट कोहली छोड़ के आ गए, हालांकि हमने कमबैक के टेस्ट मैच जीत गए, पर सिनारियो अच्छा नहीं था कि विराट कोहली एडिलेड गए, स्कोर किया, कैप्टन थे, फिर वापस आ गए, फिर रहाणे कैप्टन बन गए, वो अलग बात है हम जीत गए, पर सिनारियो जो टीम की प्लानिंग होती है, जो जो आप पहले से रोहित शर्मा ओपन करेंगे, जायसवाल जाएंगे, 3 पे गिल आएंगे, 4 पे विराट आएंगे, 5 पे सफराज, 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे वहां पिक करना है कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से खेलें या जडेजा वहां खेलें, 8 पे सुंदर होंगे या अश्विन होंगे, वो सब ठीक है, वो वहां तैयारी करो, पर ये ना हो कि आप टेस्ट मैच, इतना बड़ा टेस्ट मैच जहां आप हार के जा रहे हो 3-0 से, पहला टेस्ट मैच आप चाहते हो आपकी बेस्ट टीम खेले, रोहित शर्मा ही मौजूद हो, उनको एग्जैक्टली पता है कि किस तरह से कैसे लीड करना है, ओपन करेंगे, अब वो अलग बात है, ऑफकोर्स फैमिली मैटर है ये, वो उनके पास पूरी पूरा हक है कि वो बोले भाई मैं एक मैच ही मिस कर रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, पर बता दे पहले, सस्पेंस वाला जो काम है ना कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो शायद मेरे हिसाब से आइडियल सिचुएशन नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो आखिरी मोमेंट तक हो सकता है वेट कर रहे हो कि भाई अगर आखिरी मोमेंट में भी वो जा सके, क्योंकि देखिये मैं अपने अगर निजी तौर पर आप मेरे से पूछे तो मैं ना इस वक्त जो फॉर्म अभिमन्यु ईश्वरन दिखा रहे हैं, जिस तरह से केएल राहुल आउट हो गए, खासतौर पर वो दूसरी पारी में जिस तरह से आउट हुए, देखिए रन आए ना आए वो अलग बात है, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो ना मतलब वो एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर पे शॉट ही नहीं खेल रहे, लेग बिफोर हो जाते, वो बॉल लगती, मतलब मुझे इस वक्त एज एन इंडियन फैन मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा अगर 24 घंटे पहले भी पहुंच जाते हैं ना रोहित शर्मा, तो मैं एज एन इंडियन फैन चाहूंगा रोहित शर्मा ही भाई वॉकआउट करे एज एन ओपनर, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इंडियन टीम पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ठीक है भले ही उनके बल्ले से रन ना बने हो, पर आप और हम सब जानते अगर वो चल गए तो वो आपकी अच्छा आपको स्टार्ट देंगे, बट अगर राहुल और वो आएंगे ना ईश्वरन तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट मोमेंट भी आ जाए तो रोहित शर्मा प्लीज आप वॉकआउट करिएगा। रोहित शर्मा की ये जहन में होगा, शायद कंफर्म भी नहीं किया कि उनका मन है खेलने का, उनका मन है, उनको पता है कि 3-0 से हारे हैं और वो लीडर रहे, वो भागने वाले प्लेयर नहीं है कि टीम खराब खेल रही है, बड़ी बुराइयां हो रही तो मैं ना थोड़ा सा कट लूं, वो इसीलिए वेट कर रहे कि मान लो चीजें अगर बेहतर होती घर पे फैमिली के साथ, जो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे लगता है कि अगर चीजें उनको थोड़ा सा लगी बेहतर तो वो पहुंच जाएंगे। वो आपकी बात बिल्कुल सही, इसीलिए उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, फिर जाएंगे शायद उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए वो वेट कर रहे हैं, वेटिंग गेम खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि दिली इच्छा है कि वो जाएं और वो टेस्ट मैच खेलें और टीम को लीड करें, मोर देन स्कोरिंग रन, वो रन तो चाहिए उनके बल्ले से, पर एक कप्तान भी चाहिए जो आपके साथ 3-4 साल से काम कर रहा है, आपको चाहिए वो प्लेयर,
ठीक है, बुमराह कैप्टन बने थे पहले, एक बार इंग्लैंड में कैप्टन थे, वहां रोहित शर्मा नहीं गए थे, वो कौन सा था आई थिंक उनको पांचवा टेस्ट मैच जब वापस गए थे खेलने। बुमराह भी तैयार दिखे नहीं थे वहां, वो चेस कर गए थे 300 प्लस इंग्लैंड, क्योंकि तेज गेंदबाज है, सडनली बोला भाई आप ना एक मैच कर लो। एक मैच में कोई भी कप्तान तैयार नहीं होता किसी के लिए भी, एक मैच कप्तानी देना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा मानना है कि रोहित शर्मा भाई हमारी दुआएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टूर है ये, बहुत अहम टूर है, तो मेरा मानना है कि रोहित शर्मा अगर गए तो बहुत बेहतर होगा। इसलिए वेट कर रहे हैं कि वो एक मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर तुमने पहुंच गए, प्रैक्टिस जारी रखो, मैं बस आ रहा हूँ, 3-4 दिन में पहुंचने वाला हूँ, ऐसा वाला शायद सीन होगा। अच्छा मैं आपसे अब कहूंगा, रोहित शर्मा आए या ना आए, दोनों सिनेरियो में आप मुझे 11 बताएं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट भी है उसके साथ, निजी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, कि आप उसमें ध्रुव जुरेल को फिट करें यार, कैसे भी फिट करें उस 11 में, पर उस लड़के को फिट करें, जो बैटिंग उसने करी है ना, मतलब मैं वही कहता हूँ, रन आए ना आए वो अलग बात है, इतना कंफर्टेबल नजर आया है, और उसने टेस्ट की शुरुआत भी अच्छी की थी इंग्लैंड के साथ, वो इन कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया में भी, उसको खिलाना है। मुझे कई बार ऐसा लगता है उनको, वो कई बार कोसते होंगे यार मैं विकेट कीपर क्यों हूँ, क्योंकि लोग मेरे को बतौर पंत का रिप्लेसमेंट ही देखते हैं। अब अगर वो सिनारियो है तो पंत तो आपके बेस्ट टेस्ट बैटर है ही, वो तो खेलेंगे ही, तो ऐसे तो मौका ही नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ उनको बतौर बैटर देखें आप सिर्फ, मतलब विकेट कीपर है ठीक है, पर बतौर बैटर देखें प्लीज, आप 11 बनाएं और उसको किसी तरह से फिट करें मेरे लिए। नहीं अगर 11 की बात करेंगे तो शायद पहला टेस्ट मैच वो ना खेले, अनलेस अभी आपने ना आप वैका गए हो, वहाँ मैच सिमुलेशन होगा, वहाँ सेंटर पिच पे प्रैक्टिस भी करोगे, नो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दिख रहे हैं कि हाँ भाई साफ तौर पे ये बंदा रेडी है, तैयार है, और स्कोर भी किया है, पर फिर भी मेरा मानना है शायद पहला मैच, क्योंकि 5 मैच की श्रृंखला है, तो उनको पहला मैच शायद ना भी मिले। आपने एक टीम जो बनाई है, सरफराज खान की जगह खेलते हैं वो, जहां से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपके जो ओपन करेंगे, अगर रोहित शर्मा पहुंच गए तो रोहित शर्मा जायसवाल ओपन करेंगे, नंबर 3 पे शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में खेलना उनको पसंद है। विराट कोहली के साथ साथ शुभमन गिल को मैं देख रहा हूँ, जो बाउंसी पिचेस पे एंजॉय करते हैं खेलना, शुभमन गिल नंबर 3 पे, उनकी बल्लेबाजी देखने में मजा आएगा। उस पर्थ का टेस्ट मैच की बात करें, 4 पे विराट कोहली आएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में अमूमन अच्छा खेलते हैं, और 5 पे आएंगे सरफराज खान। सरफराज खान ने शतक बनाया था अभी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बैंगलोर में सीमिंग कंडीशन थी, तो वहां अगेंस्ट पेस बॉलिंग शतक आया, तो मेरा मानना, हालांकि बाद में आउट हो गए, वो आउट ऑफ फॉर्म रहे स्पिन के खिलाफ, बहुत जल्दी आउट हुए, पर वो शतक से शायद उनका एडवांटेज है कि भाई इसको सीम बॉलिंग पेस बॉलिंग खेलना आता है, हालांकि इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। उस पर्थ के पिच पे जो यू नो एक छोटे से कद का बल्लेबाज है, ज्यादा आगे आते नहीं है, तो वहां कहने की टेस्टिंग होगी उनको, पर फिर भी 5 पे वो खेलेंगे, 6 पे ऋषभ पंत आएंगे, 7 पे आएंगे वहां रेड्डी भी गएंगे, रेड्डी भी ऑलराउंडर हैं, जो एक ही ऑलराउंडर में देख रहा हूँ जो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो पर मुझे लगता है शायद उनको ना खिलाएं। आप जाओगे जडेजा के साथ, जो एक लेफ्ट आर्म स्पिन लेके आते हैं, फिर आपका मामला फंसेगा, बड़ा मामला फंसेगा, वो कॉल होगी अश्विन खेलेंगे या वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे, एक ही खेलेगा। और ये भी बोल दूं आपको, अगर एक खेलेगा तो अगर मान लो लगता है 4 फास्ट बॉलर चाहिए आपको, तो चौथा रेड्डी बन सकते हैं, जो नंबर 7 पे आएंगे, तो जडेजा बाहर जाते हैं। ये 2-3 कॉल मैं आपको बता रहा हूँ, जो 13 नाम बता रहा हूँ उनमें एक कॉल लेनी पड़ेगी गंभीर को। तो चलो जडेजा को मैं आगे रखता हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल नंबर 7 पे रखता हूँ। 8 पे अगर मान लो सुंदर रखता हूँ, फिर आपके 3 तेज गेंदबाज आ जाएंगे बाद में, जहां पे मेरा मानना है बुमराह आकाशदीप खेलेंगे, आकाशदीप स्विंग गेंदबाज है, बुमराह और सिराज प्रसिद्ध कृष्णा हिटर्डिक गेंदबाज है, वो पेस ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर आकाशदीप के पास थोड़ा स्विंग है, स्विंगिंग बॉल ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा दिक्कत में आते हैं, तो मेरा मानना है आकाशदीप इस टाइम थोड़ा आगे चल रहे हैं, बुमराह उनके साथ रहेंगे। एक को पिक करना बिटवीन प्रसिद्ध कृष्णा एंड सिराज, सिराज को हालांकि यहाँ ड्रॉप किया था, हालांकि सिराज का सॉरी फॉर्म नहीं था, लगातार नहीं खेले वो, तो शायद कृष्णा के साथ भी जा सकते। ये 3 तेज गेंदबाज हो गए, बड़ी कॉल मैं देख रहा हूँ अश्विन बिटवीन अश्विन एंड वाशिंगटन सुंदर होगी, और अगर वो बिल्कुल ग्रीन टॉप दिखी, लगा कि भाई यहाँ ना एक तेज गेंदबाज और चाहिए, और रेड्डी जो कि खेले नहीं, नए हैं, युवा है, शायद उनको ना खिलाएं, पर जो पिछली बार गलती की थी निखिल वो था स्पिन को ना खिलाना, स्पिनर को बैक ना करना। अश्विन थे 2018 की बात कर रहा हूँ, जहाँ नेथन लायन ने आई थिंक 8 विकेट मारी थी, मैन ऑफ द मैच बने थे, वहां पर्थ की पिच पे
और इंडिया ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया, उनको लगा ना ऑल आउट पेस जाओ, वहां उमेश भी खेले, सब लोग खेल गए, स्पिनर नहीं खेला। पर मेरा मानना है स्पिनर के साथ जाना चाहिए, आपको जो दो बेस्ट स्पिनर है वहां उनको खिलाओ। उसके बाद तीन तेज गेंदबाज आ गए, जडेजा अश्विन बैटिंग भी करते हैं, जडेजा सुंदर भी बैटिंग करते हैं, तो दो जो स्पिनर है वो बैटिंग भी करते हैं, तो बैटिंग कहीं वीक नहीं हो रही आपकी। तो जो पिछली बार गलती की इस बार ना करें, स्पिनर के साथ जाए, वहां घास जब होती है तो हमेशा वो जो स्पॉन्जी बाउंस होता है, वो छाल मिलती है स्पिनर को, वो हमेशा एक एडवांटेज रहेगा हमारे स्पिनर के साथ। देखिए इसमें एक चीज और है, क्योंकि देखिए मेरे जो आपने मैंने बताया निजी इंटरेस्ट है, ये है कि आएगा वो फ्यूचर का प्लेयर, शायद पहला मैच ना मिले, पर हो सकता है बाद में आपको जब दो तीन टेस्ट मैच बचे उनका नाम आया, आपकी बात सच सच हो के जुड़ा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ना, मैं आपको पहले टेस्ट में ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप चार बॉलर्स के साथ क्यों नहीं जाते, क्योंकि पांच के साथ पांचवा हमेशा अंडर बोल्ड रहता है, तो आप एक स्पिनर तीन तेज गेंदबाज के साथ चले जाएं, है ना। तो सात पे जुरेल आ गए, आठ पे जडेजा, तीन तेज गेंदबाज, आपके पास ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, देखिए क्योंकि मैं जुरेल को फिट कर रहा हूँ तो कैसे करूंगा, अगर रोहित शर्मा नहीं है पहले टेस्ट में, अगर पहले टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं है, यार मैं तो वॉशिंगटन सुंदर से करा दूंगा ओपनिंग। वॉशिंगटन सुंदर जबरदस्त, मुझे उनकी बैटिंग, उनकी गेंदबाजी ज्यादा पसंद आती है, बड़े जबरदस्त टॉप ऑर्डर बैटर है, अब वो था डोमेस्टिक क्रिकेट, उनसे कराऊंगा ओपनिंग। फिर एक स्लॉट खुल गया, दूसरा स्पिनर जडेजा, फिर सात पे जुरेल आ गए, आठ पे जडेजा, तीन तो पांच बॉलर भी हो गए, दो आपके, और वैसे करके मैंने जुरेल को खिला दिया। क्यों मैं जुरेल को खिला रहा हूँ, एक तो वो कंफर्टेबल नजर आए, और आपने सही कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इंडियन बैटिंग अलग परफॉर्म करेगी, लेकिन अभी जो मैंने न्यूजीलैंड में देखा है और जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बैटिंग में लेके चलूं, क्योंकि बॉलिंग आपने सही कहा, मुझे लगता है बॉलर्स आपके कमाल कर देंगे, 20 विकेट निकाल देंगे हर टेस्ट मैच में, आपको जरूरत है। बैटिंग 350 रन आपको लगाने पड़ेंगे कभी ना कभी टफ कंडीशन में, वो लगाएगी या नहीं उसको लेके मेरी थोड़ी, ये दोनों आइडिया के बारे में क्या लगता है? नहीं सुंदर ओपन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो केएल का नाम पहले गंभीर ले लिया आपकी, अगर मान रोहित शर्मा नहीं हुई तो केएल राहुल को बैक करेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला कि जो प्लेयर वहां टूर पहले कर चुका, एक्सपीरियंस तजुर्बे की बात करी, कंडीशन की बात करी, अलग हालात, सुंदर भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने रन बना दिए थे, सुंदर भी एक्सपीरियंस थे, रन बनाए थे उन्होंने गाभा में, इसीलिए मैंने बोला कि अश्विन और सुंदर में एक खेलेगा, बहुत बड़ा कॉल होगा, और जडेजा अगर उनको रखे तो रखे, जडेजा की जगह आप रेड्डी को भी ला सकते हैं, ऑलराउंडर है वो, बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं, अगर आपको दिखा बिल्कुल ग्रीन टॉप है जहां स्पिनर का रोल नहीं है इतना, तो सुंदर के साथ जा सकते हैं, अश्विन मतलब एक पिक करना है, किसी को भी पिक कर सकते हैं, और वहां रेड्डी को भी ला सकते हैं एज एन ऑलराउंडर, जो हार्दिक पांड्या पहला काम करते थे इंडिया के लिए, हार्दिक पांड्या जब फुली फिट थे, उनकी बॉडी उनके साथ दे रही थी, तो चौथे तेज के बाद हार्दिक पांड्या आपको याद होगा, बिल्कुल हार्दिक पांड्या नहीं, इसीलिए जो रेड्डी का नाम आया है रीजन वही था कि इनको हम बैक करेंगे, ग्रूम करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको कभी कभी चार तेज गेंदबाज रखते हैं वहां पे, ये रीजन से वो गए हैं। पर फिर भी मेरा मानना है कि जुरेल को मैं वेट कराऊंगा, एक टेस्ट मैच बाहर से देख लें स्टाफ कैसी बॉलिंग कर रहा है, देख लें हेजलवुड कैसे डाल रहा है, कमिंस को देख लें भाई अच्छा, तो उनको थोड़ा बाहर से देखने में बुराई नहीं है, आप जल्दबाजी करने के चक्कर में उनको जो अगला तीन चार टेस्ट मैच है वहां गड़बड़ी ना हो जाए। मेरा मानना है किसी भी जब नए प्लेयर को आप लाते हो तो थोड़ा सा, हालांकि अगर सरफराज ना होते तो खेलते हो, पर सुंदर को ओपन करा दो, इसको ऐसे कर दो, मैं शायद अभी पहला टेस्ट मैच में उतना पैतरा नहीं करूंगा, जब कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है, हार रहे हैं तो ठीक है ऊपर नीचे कर दिया, पर नॉर्मल जो पहला टेस्ट मैच है, जो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट मैच है, वो शायद श्रृंखला में डिसाइडर बन सकता है कि कैसे इंडिया आगे बढ़ने वाली है इस श्रृंखला में। इसीलिए मेरा मानना है जो आपके बेस्ट प्लेयर्स है ना उनके साथ आप पहला मैच ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने अभी बात की कि गौतम गंभीर ने बता दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि केएल ओपन कर सकते हैं, मतलब इंडिकेशन दिए थे, ये भी बताया था कि वो पता नहीं रोहित अवेलेबल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी, क्या है आपकी उस पर राय? उस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है, कईयों को बहुत पसंद आई, कईयों को नहीं पसंद आई, आपको कैसी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये तो टिपिकल गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर तो साफ साफ बात करता है, प्रेशर बहुत मजा आया मतलब आपको, पर मुझे लगता नहीं कि इतना प्रेशर लेना चाहिए, जिस तरह से वो मूड में देखे मुझे लगता नहीं कि इतना प्रेशर लेना चाहिए, हालांकि आप हार गए तो हार गए वो लगातार जीतते भी रहे हो आप। सबसे बड़ी चैलेंज है इस बार गौतम गंभीर के लिए होगा कि अब जब आप पर्थ वहां लैंड कर रहे हो तो वो जो डिलीट मारना होता है ना, जो पिछला हो गया डिलीट बटन जो होता है बहुत जरूरी है, वो अपने प्लेयर को कैसे बता पा सकेंगे कि भाई अब ये
नई सीरीज है, नई कंडीशन है, यहाँ तो आप चार चार तेज गेंदबाज बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, वो जो पिछला हुआ भूल जाओ, अगर ये करा पाए तो बहुत बड़ा काम होगा एज ए कोच, क्योंकि आप में टेक्निक तो नहीं बदल पाओगे प्लेयर की। विराट कोहली वैसे ही खेलने वाले हो, लगाएंगे बाया पैर आगे, लंच करेंगे, वहां से ड्राइव मारेंगे, वो सेम करने वाले, हर काम सेम होगा, पर एज अ कोच ये चीज होती है ना आउटसाइड नॉइज, वो कैसे एक यूनिट बन के आप खेलते हो बहुत जरूरी है, कि भाई दुनिया बाहर क्या बोली फर्क नहीं पड़ता, और जो पिछला हो गया वो भी इतना मैटर नहीं करता, हालांकि बहुत खराब खेले, पर ये अलग हालात है, अलग गेंदबाज है, यहाँ हम दो बार जीत चुके हैं पहले, अच्छी अच्छी बातें करें, विराट कोहली को रिमाइंड कराएं, भाई पर्स में जब पिछली बार आप आए थे तो आई थिंक 6 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, और नया बॉल विराट कोहली फेस कर रहे थे, और आपने अकेले वहां 100 बनाया था, बहुत मुश्किल हालात थे, बाउंसी पिच थी, गेंदबाज ना बिल्कुल यू नो शॉर्ट बॉल ड्राइव हर जगह बॉल डाल रहे, नेथन लाइन का भी चैलेंज था, नेथन लाइन हमेशा उनको फंसाते हैं, तो उनका भी चैलेंज था, वहां आपने अकेले डोमिनेट किया, शतक बनाया, तो वो रिमाइंड कराएं, अच्छी अच्छी बातें रिमाइंड कराएं, गिल को बताएं कि शुभमन गिल भाई पिछली बार जब यहाँ आए थे तो गैबा में ऋषभ पंत हुए थे मैन ऑफ द मैच पर, आपके जो 90 रन थे ओपन जाके चेजिंग में उसके वजह से मैच जीते हैं, तो अब कोच का काम ये कि कंधे में हाथ डाल के ना अच्छी अच्छी बातें बताएं, डिलीट करें, बिल्कुल भूल जाए जो पिछला जो हुआ है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मेरे हिसाब से ये काम करना पड़ेगा गौतम गंभीर को, कि भाई टीम को ऐसे रखे बिल्कुल एज अ यूनिट, और वो खुद भी पैनिक होके कोई ऐसा सवाल जवाब ना करें मीडिया के सामने, या ऐसा बयानबाजी ना करें जिससे टीम का अंदर जो मोराल वो डाउन हो, आप शांत रहें, ये खिलाड़ी हैं आपके पास जो कमबैक करना जानते हैं। कोच की बात हो रही है तो एक आपके दोस्त हैं कोच, आपने उनके साथ कोचिंग भी करी, रिकी पॉन्टिंग है ना, वो दिल्ली कितने 7 साल थे शायद, है ना, 7 साल इन्होंने कोचिंग करी है दिल्ली, वहां से 2018 में आज रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अब चले गए हैं और नॉर्थ चले गए, दिल्ली से भी एक कदम ऊपर उन्होंने पंजाब का रुख किया है, तो पहले तो 7 साल कैसे रहे, आपको क्या लगा, क्योंकि वो फ्रेंचाइज ऐसी है, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप उसके साथ जुड़े थे, उनके साथ काम किया, और ये डिसीजन पंजाब की तरफ जाना। नहीं, अगर रिकी पॉन्टिंग का आकलन करना है 7 साल का सफर कैसा रहा, तो वो खुद भी बोलेंगे यार ना मैं और अच्छा काम कर सकता था एज अ कोच 100%, क्योंकि जो टीम उनको मिली थी, जो टीम हम लोगों ने बनाई थी, सौरभ गांगुली का बहुत रोल था वहां, हम लोग थे, तो एक बार ऐसा था कि निखिल आप विश्वास नहीं करोगे, हम जब 11 बनाते थे ना बैठ के मीटिंग जो होती थी हमारी, तो वहां पे अजिंक्य रहाणे ड्रॉप बैठते थे, अश्विन को मौका नहीं मिला 11 में, ठीक है, वहां ईशान शर्मा बाहर बैठते थे, तो हमारे पास कभी कभी हिटमायर को भी हमने सोचा खिलाएं नहीं खिलाएं, वो डाउट था शुरू, वो भी बाहर बैठे, तो ऐसी टीम थी कि हमें लग रहा था यार ये ड्रॉप किसको करे, तो उस तरह का ऑप्शन गया था, और सौरभ गांगुली की मैं बहुत तारीफ करूंगा, सौरभ गांगुली ने ये तय किया कि अगर हमें अच्छी टीम बनना है तो हमें इंडियन प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा, सौरभ गांगुली ने शिखर धवन से बात करी, जो ट्रेड हुआ था जब हैदराबाद से शिखर धवन दिल्ली आए थे, तो वहां ट्रेड हुआ था, ट्रेड में ये मैटर ये मामला फंसा था कि इनको ले ना ले, हमको नदीम को देना पड़ा, हमको विजय शंकर को देना पड़ा, वो 3 प्लेयर और कुछ पैसे की ऐसे कुछ ट्रेड था, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, वहां सौरभ गांगुली ने हम लोग को विश्वास दिलाया कि शिखर धवन चाहिए, और वहां रिकी पॉन्टिंग सहमत नहीं थे, रिकी पॉन्टिंग सहमत नहीं थे, उनका मानना था कि शिखर धवन का शायद करियर पूरा हो गया, वो खेल चुके, और उसी वक्त शिखर धवन टेस्ट मैच से ड्रॉप हुए थे, तो उनको लगा शायद कि अब ना इनका हो गया है, अब किसी और को प्लेयर को देखते हैं, नए प्लेयर को हम बैक करते हैं, पर सौरभ गांगुली ने बोला शिखर धवन चाहिए, हम सब ने बात हुई कि भाई गारंटी बता रहा हूँ ये 500 रन बना के आपको हर साल देगा, इस ये बात बोलनी पड़ी मीटिंग में, जब जूम मीटिंग करते हो तो ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, गांगुली बैठे हैं अपना कोलकाता में, हम लोग दिल्ली में बैठ के, तो जब जूम कॉल होती वहां चर्चा होती है सब बातें, तो और हैदराबाद में वहां वार्नर भी थे, डेविड वार्नर से शायद पॉन्टिंग ने पूछा होगा कि भाई क्या लगता है शिखर धवन तुम्हारे साथ खेलता हैदराबाद के लिए, क्या हमें उनको लेना चाहिए, तो शायद डेविड वार्नर ने वो बात खारिज करी कि यार अभी ना थोड़ा जो भी रीजन हो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बेस्ट प्लेयर अब रह गया है, बचा है बेस्ट प्लेयर अभी वो, तो वो इन्फ्लुएंस किया रिकी पॉन्टिंग को, रिकी पॉन्टिंग वहां से बोल रहे हैं कि ये बात हुई है उनको, अब मतलब उनका करियर खत्म हो गया, पर सौरभ गांगुली ने और पार्थ जिंदल ने
5 दिन में हमारे जो ओनर थे उनका मानना था कि नहीं नहीं अभी शिखर धवन को हम बैक करेंगे, व्हाइट बॉल में इंडिया के लिए खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, तो उनको बैक किया, उनको ट्रेड किया और हमारी बात को सच साबित कराई शिखर धवन ने, तारीफ में उनकी करूंगा कि 500 रन बना के दिए, हमको फाइनल तक पहुंचाया। उस साल जब हम फाइनल में गए थे शिखर धवन ने बहुत स्कोर किया वहां अगेंस्ट मुंबई, हालांकि फाइनल हार गए थे, शिखर धवन हमें मिल गए थे वहां पे। तो ये जो चीजें हैं वहां सौरभ गांगुली ने बहुत काम किया, तो कहीं ना कहीं रिकी पोंटिंग को थोड़ा सा ये मलाल होगा कि और बेहतर वो काम कर सकते थे, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर। मुझे याद है अश्विन को भी ट्रेड करवाया, अश्विन को भी लेके आए, उसके जो पूरा जो श्रेय जाता है वो सौरभ गांगुली जाता है, दादा हमारे कप्तान सौरभ गांगुली को जाता है, अश्विन को लेके आए, शिखर को लेके आए, रहाणे का ट्रेड हुआ रहाणे को लेके आए। तो एक उनको मालूम था कि इंडियन प्लेयर्स आईपीएल में बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन प्लेयर्स का अगर कोर बन गया तो फिर आप अच्छा खेलते हो और हम फाइनल तक आए भी। तो वहां तारीफ सौरभ गांगुली की होगी, रिकी पोंटिंग को मलाल ये हो कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, बहुत अच्छी टीम बनाई थी, अब तो चलो उनको प्लेयर नहीं मिल रहे पर एक वक्त ऐसा था कि बहुत शानदार टीम थी और अपनी टीम को चैंपियन नहीं करा पाए 7 साल में, यहाँ उनको मलाल होगा। नहीं आप तो बड़े माइल्ड है, मतलब मैं अगर बाहर से देखूं तो मुझे तो लगा काफी हद तक अंडर अचीव किया। वो आप टीम के बारे में बात कर रहे हो, वो टीम जो थी 2 सीजन खासतौर पर फाइनल भी पहुंची, प्लेऑफ भी खेला, वो 2 सीजन तो दिल्ली को जीतना ही चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा हैरान भी था आप लोगों के साथ, क्योंकि जब आप लोग हार गए थे फाइनल तो एक कुछ इस तरह की इमोशन आ रही थी कि नहीं नहीं वेल प्लेड, हमने बड़ा अच्छी फाइट की, हम प्राउड हैं, पर मुझे लग रहा था दूसरी तरह से कि यार वेल प्लेड वो सब छोड़े, इस टीम के साथ आप को जीतना चाहिए था। मैं उदाहरण देता हूँ मुंबई इंडियंस का, मुंबई इंडियंस होती वैसी अगर उनकी टीम होती वो फाइनल में हार जाते तो शायद उतना खुश नहीं होते जितना दिल्ली कैपिटल्स थी, वो इसी बात को लेकर खुश थे कि हम फाइनल में पहुंच गए। तो ये मुझे थोड़ा नहीं, इसीलिए आप जब रिकी पोंटिंग पंजाब गए हैं तो मुझे मुझे अच्छा अब दिल्ली से क्यों नाता तोड़ा, तो जो फ्रेंचाइज जो ओनर होता है उसको लगता है कि अब रिकी पोंटिंग के पास बढ़िया गेम प्लान नहीं है, उनके पास जो और डिलीवर करने की क्षमता थी अब वो नहीं है, अलग अलग पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं वो फ्लैट दिख रहे हैं। अगर रिकी पोंटिंग बहुत बड़ा नाम है, रिकी पोंटिंग का नाम बहुत बड़ा है, मतलब हम सचिन की बात करते हैं हम उसी कैटेगरी में रिकी पोंटिंग भी आते हैं, तो इसीलिए अगर उनको कोई फ्रेंचाइज के ओनर से ये बोल रहे कि भाई थैंक यू सो मच 7 साल किया आपने, टीम जीती नहीं हालांकि एक बार फाइनल्स में लेके आए, अब आपसे हम यू नो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो बंधन है वो टूटता है, आप अपने रास्ते जाइए, हम किसी और के साथ काम चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज ओनर को लगता है कि भाई बस अब इसके पास और कुछ नहीं देने को, 7 साल दिए, अब कुछ नया हमें नहीं बता पा रहा हमारे प्लेयर्स को, या जो भी आप प्लानिंग की बात करते हो, जो रणनीति होती है उसकी बात करते हो, कहीं ना कहीं फ्लैट हो गए, तो इसीलिए वो मूव ऑन कर गए। अब जब रिकी पोंटिंग पंजाब गए तो वहां भी जो पुराने कोचेस करते आ रहे कि भाई सुनो ऐसा हम भी सेफ खेलते हैं, पैसे बचा लो, 2 प्लेयर को हम रिटेन करते हैं, मुझे लगा शायद वहां गलती हुई। मेरा मानना है मेरा मानना है जो काम मुंबई इंडियंस ने किया है, हालांकि वो मुंबई इंडियंस 10वें पायदान पे थी पिछली बार, पर उनका जो जो कोर है कैसे भी करके उन्होंने उनको उसको रोक लिया, सेम प्लेयर्स को अभी भी वो बैक कर रहे हैं कि इन्हीं प्लेयर्स ने हमें ट्रॉफी जिताई है पहले, हालांकि 1-2 साल से हम अच्छा नहीं खेल रहे पर यही प्लेयर से हम आगे भी ट्रॉफी जीतेंगे, चाहे कितने पैसे खर्च करना पड़े करके इनको हम रख लेंगे। रिकी पोंटिंग ने जो और कोचेस थे जो उन्होंने पैतरा अपनाया था, छोड़ो छोड़ो ऑक्शन में हम सब अच्छे अच्छे प्लेयर खरीद लेंगे पैसे बचा के जाओ, सेम काम उन्होंने वहां किया, जिसका मैं फैन नहीं हूं। आप चाहते हैं अर्शदीप सिंह को आप रिटेन कर सकते थे, अर्शदीप सिंह जो जो हर साल आपके लिए अच्छा कर रहा है, जान निछावर कर रहा है, पंजाबी मुंडा घर का लोकल लोकल बॉय है, उसको आप रोक सकते थे। आपके पास ये रबाडा गेंदबाज है आशुतोष शर्मा, जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी लास्ट टाइम, बिल्कुल, और रबाडा ऐसे गेंदबाज है, प्रूवन गेंदबाज, आईपीएल के हीरो रहे रबाडा, उनको जाने दिया आपने, और एक प्लेयर था लिंगस्टन, यार वो प्लेयर को भी आपने छोड़ दिया, तो किसी पे भरोसा नहीं दिखाया। आप कह रहे हैं मैं शुरुआत से करूंगा, पर मैं आपको बताऊं निखिल क्या होता ऑक्शन में, मैं बैठा हूँ ऑक्शन में बैठा हूँ मैं कई बहुत बार, आप जो प्लान करते हो ना कि छोड़ दो मैं ऑक्शन में आरटीएम कर लूंगा या मैं पैसे हैं तो मैं पैसे का ध्वस दिखा के ना प्लेयर खरीद लूंगा, ऐसा होता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि सेम प्लेयर जिसपे आप जाना चाह रहे हो आपको मिल जाए, अगर मिलेगा भी तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे,
इसी से आप अगर बिडिंग वॉर में फंस गए ना तो रिटेन करने में शायद 18 CR देना पड़ता, अब वहां शायद 25 CR में आपको खरीदना पड़े शायद, अगर आपको आप एडामेंट हो कि नहीं ये प्लेयर हमें चाहिए तब। तो ऑक्शन की जो जो प्लानिंग है किसी को नहीं पता, वो 2-3 मिनट में आपको वो कॉल लेनी पड़ती है, जाए नहीं जाए, छोड़े वेट करें, पैसे बाद में बचा के रखें, वो अलग ही गेम तो मेरा सवाल ये है, जब आप 2-3 सीजन ऑक्शन में बैठ के ये बात समझ सकते हो, 15 सीजन से पंजाब को ये बात क्यों नहीं समझ आई? नहीं देखिए, इसीलिए मेरा मानना है कि जो हमारे जो भारतीय इंडियन कोचेज है ना, वो बहुत सीख चुके हैं, नॉट दे हैव कम अ लॉन्ग वे। मेरा मानना है कि आप नाम पे मत जाओ, सही बात। आप काम पे जाओ, जो बंदा डिलीवर कर पाए, जो साल भर इंडियन प्लेयर्स को देख रहा है एग्जैक्टली रणजी में क्या हो रहा है, बॉल टू बॉल मैच वॉच कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बैठ के वहां रात या सुबह है भाई, बहुत फर्क है। इसलिए मेरा मानना है कि जो इन्वॉल्व है, जो टाइम दे रहा है ना, उसको प्लेयर की जानकारी होगी, बदानी को लेके आए, मेरा मानना है हेमंत बदानी अच्छा काम करेंगे, हालांकि बहुत बड़े नाम नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, इतना ब्रांड नहीं है, वहां मिस आउट करेंगे फ्रेंचाइज की ब्रांड, वो ब्रांड नहीं चाहते तो हैं। वो तो चंद्रकांत पंडित भी ब्रांड नहीं थे, पर उन्होंने अच्छा काम किया डोमेस्टिक पे आईपीएल बिल्कुल, में। तो मेरा मानना है हेमंत बदानी को लाए, हेमंत बदानी TNPL में कोचिंग करते हैं, वहां उनकी टीम जीतती है, और वो आई थिंक यूएई में भी शायद टीम के कोच है, हाँ, तो ऐसे T20 में भी थे, हर जगह रहे तो अभी हैं। आप ब्रांड पे मत जाओ, बड़े नाम पे मत जाओ, अभी काम देखो कि काम कौन अच्छा कर सकता है, हमारी टीम कौन जिता सकता है, उसको बैक करो। अच्छा चलिए, लगभग 1 घंटा शायद होने वाला है, लेकिन मैं आप ये T20 सीरीज देख रहे हो नहीं देख रहे हो, वरुण चक्रवर्ती पे नजरें हैं नहीं है क्या? अरे मैं तो बॉल टू बॉल देखता हूँ मैच, अच्छा, मैं बॉल टू बॉल मैच देखता हूँ, अगर अगर कहीं फंस गया अलग बात है, पर मेरा जो जो गेम का जो मजा है ना, वो पहली बॉल से, तो मैं तो ये भी समझता फिर हूँ कि अक्षर पटेल को बॉलिंग नहीं मिली तो आप तो उस टाइम बैठ के हाँ, अक्षर पकड़ रहे पटेल होंगे को एकदम बॉलिंग नहीं मिली, हाँ करेक्ट है उसे। वो। देखिए सूर्य कुमार यादव को एक आध गलती करना अलाउड है, हालांकि उसके वजह से मैच भी हार गए, पर अभी जब से कप्तानी कर रहे हैं उनकी टीम जीत रही है, नए कैप्टन हैं, अभी भी बहुत युवा कैप्टन, हालांकि एज तो हो गए 30 के आगे निकल गए, पर कैप्टन अभी नए नए बने, तो गलती हुई वहां पे, क्योंकि मेरा मानना है आपने जब देखा वरुण 5 विकेट मार चुके हैं, आपको आपका बिश्नोई अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, और साउथ अफ्रीकन स्पिन अच्छा नहीं खेलते, वो सामने दिख गया, और अक्षर पटेल के साथ भाई मैं तो ये समझ रहा हूँ ज्यादती हो रही, थोड़ा बेचारे को टेस्ट मैच से हटा दिया गया, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, कोई मुझे ये बता दे आगे अक्षर पटेल को टेस्ट मैच में हमने क्यों ड्रॉप किया गया, मैं 10 सवाल खड़े कर दूंगा, भाई ये रीजन है उसको लेना चाहिए, वाई वाई शुड टेक अक्षर पटेल, क्योंकि 8-9 पे आके उसने टेस्ट मैच जिताया है, नंबर पे बिल्कुल आके बॉलिंग ये बिल्कुल। विकेट मारी है। तो अभी ये टैग लग रहा है अक्षर पटेल की वो टर्निंग ट्रैक के बॉलर है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, जिसको भी लगता है कि टर्निंग ट्रैक के बॉल डाल सकते हैं, नहीं, वो साउथ अफ्रीका में भी बॉल डाल सकते हैं, और जब उनकी बॉलिंग आई तो 5-6 विकेट गिर चुकी थी, इसलिए मेरा मानना है बड़ी गलती इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब विकेट गिर गई आप देख रहे हो स्पिनर विकेट ले रहा है, बाद के बल्लेबाज बचे हैं, तो अक्षर पटेल जो आपके जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो बॉलिंग उन्होंने 1 ओवर किया 2 रन दिए रे, बिल्कुल। ये भी नहीं कि 1 ओवर किया 3 छक्के लग गए, तो भाई बस थैंक अच्छा, यू। और दोनों मैच में अंडर बोल्ड है, पिछले मैच में भी, हालांकि वो आप जीत गए, एक ही ओवर डाला उन्होंने। तो ये गलती हुई, और जैसे मैंने बोला कि चलो एक आध गलती आप अलाउड हो, कि आप युवा यंग कैप्टन अभी नए नए कप्तानी कर रहे हो, पर मेरा मानना अक्षर पटेल के साथ ओवरऑल जो देख रहा हूं मैं, जहां उनको टेस्ट मैच से हटाया गया, बॉलिंग भी नहीं मिल रही, बैटिंग में आके भाई ने 23 रन बनाए थे उस मैच में, अगर वो रन आउट ना होते, जो बैड लक था कि हाथ लग के स्टंप पे बॉल लग गई, तो उनके वजह से मैच जीतते वाला मैच, अगर वो थोड़ी देर और खेल जाते तो शायद वो 45-50 स्कोर करते, उस तो 25 रन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते, 25 रन में तो इंडिया वो मैच जीत रही थी भाई। अच्छा, यहाँ एक सवाल आया था, मैं नाम भूल गया, सॉरी आपका, बड़ी जल्दी से चलता है। उन्होंने कहा थोड़ा वरुण चक्रवर्ती पे, हाँ एलेक्स अरमान है ये कह रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती पे थोड़ी बात कर लें। वरुण चक्रवर्ती 2.0, देखिए 2021 में खेले थे, वहां पे उनको फिर नकार दिया गया, 2 शानदार IPL, सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर 2024-23 में, पर्पल कैप विनर, क्या वापसी की उन्होंने, दिखाया कि बस सिर्फ आईपीएल नहीं,
इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शानदार खेल रहे हैं। 2021 में उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, तब वो हाँ बहुत रॉ थे, नए नए आए थे, और क्योंकि उनकी टीम फाइनल्स तक आ गई थी, कि क्या फाइनल्स तक आई थी, उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम बनी थी, ठीक है। उस टीम में युजी चहल भी थे, 15 में थे, उनको नहीं खिलाया गया, उसके ऊपर वरुण वरुण खेले, वर्ल्ड कप का मैच है, सामने इंडिया पाकिस्तान, अरे भाई बड़े बड़ों की हवा हवा टाइट हो जाती है, प्रेशर, इंडिया कलर पहन के नील जर्सी में, भाई यहाँ तिरंगा लगा हुआ है, बहुत अलग माहौल होता है। आईपीएल का मैच छोड़ दो, आईपीएल का मैच, इंडिया मैच, कोई कनेक्शन नहीं सर, जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया के जर्सी में खेलना, आपके सामने विराट कोहली वॉक करे, रोहित शर्मा आपके साथ खेल रहे हैं वहां पे, बुमराह आपके साथ गेंदबाज है, सामने आपको बॉलिंग करी जडेजा अश्विन जो भी हो, उनके साथ गेंदबाजी करनी है, आसान नहीं होता, हर युवा प्लेयर्स के लिए मुश्किल होता है। तब वो रॉ थे, उनको मौका दिया गया, अच्छा नहीं किया, वो ड्रॉप भी हो गए, उनको हटा भी दिया गया, ऐसा नहीं है, फिर जडेजा वापसी कर ले, चहल आ गए, कुलदीप आ गए, बहुत लोग आ गए, पर 2-3 साल में बंदा रुका नहीं रहा, इसीलिए मैं इसकी तारीफ करूंगी, बंदे ने ना वो घर पे नहीं बैठा रहा, ये सदमे में नहीं गया, अरे क्या हो गया भाई, क्योंकि उसने तो नहीं कहा मैं सिलेक्शन कर लो, आपने ये सेलेक्टर से गलती है, जब प्लेयर रॉ है, तैयार नहीं है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, अब जब उसने खराब बॉलिंग करी, डिलीवर नहीं किया, इंडिया हार गई 10 विकेट से, हारी थी वो मैच इंडिया पाकिस्तान, मुझे याद है वो वाला जब 10 विकेट से हार गए थे, बाबर आजम रिजवान जो अभी बाबर को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और रिजवान में भी शायद काफी सवाल थे, उन्होंने हमारे खिलाफ नाबाद गए भाई, आउट ही नहीं हुए, 10 विकेट से वो मैच इंडिया हारी थी। तो मेरा मानना है कि अब वो पूरा साइकिल उन्होंने तैयार कर लिया, 2-3 साल अभी, ये उनकी मैं रिपोर्ट बताता हूँ वरुण की, कि वो गुड़गांव आते हैं प्रैक्टिस करने, मैं जाता हूँ कभी कभी, बंदा रुका नहीं है, उसके बाद उसने ठान ली कि भाई मुंबई प्रैक्टिस करूंगा मैं, ईडन गार्डन जाऊंगा मैं, गुड़गांव में खेलूंगा, कोचेस को फोन करूंगा, जो जो उसको लगता है कि ये कोच मेरी हेल्प कर सकता है उसे बात भी करता है वो, और उनको बोलता है मैं आ रहा हूँ मेरे रूम रखना, मैं 4 दिन प्रैक्टिस करूंगा यहाँ गुड़गांव में, जहां मैं जाता हूँ वहां साहू करके एक कोच है, वो उनकी एकेडमी चलती है, साहू पहले केकेआर में भी थे, अच्छा उनकी तालमेल अच्छी है, तो वो आए थे यहाँ प्रैक्टिस करने, तो ये दर्शाता है कि जो जो हंगर है, जो कमबैक करने की चाह है, जो तपस्या है कि मुझे बेइज्जत करके निकाला गया, ड्रॉप कर दिया गया, मैं करके दिखाऊंगा, वो चीज वरुण ने करी। कि मैं टेक्निकल बात बाद में करूंगा कि हाँ उन्होंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, बॉल आगे डाल रहे हैं, वो रेवोल्यूशन पे काम किया, बाउंस हो रही, बॉल लाइन एंड बहुत शानदार हो गई, एक्यूरेट बन गए, वो सब तो एक पहलू है, वो आप खेलते खेलते सीख जाते हो, पर हार ना मानना, जहन में ठानना कि भाई मुझे आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव, उस धारणा से आगे बढ़ना, इसलिए इस प्लेयर को मैं सलाम करता हूँ, जहाँ साउथ अफ्रीका में ग्रीन टॉप पे 5 विकेट मारना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप में से बहुत लोग यहाँ सवाल मैं देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं बीजीटी पे बात करो, भाई आपने थोड़ा लाइव थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, शुरुआत के हमने आधे घंटे 40 मिनट सिर्फ बीजीटी पे ही बात की है, तो अगर आप जब ये लाइव खत्म हो जाएगा, ये वीडियो प्रोफाइल पे होगा कैफ की, तो आप जाके रिवाइंड करके पीछे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है वो लगातार पूछते जा रहे हैं, थोड़ा हटके है, पर वो जानना चाह रहे हैं आपको नेक्स्ट फील्डिंग सेंसेशन कौन नजर आ रहा है भाई इंडियन क्रिकेट में, वो जानना चाहते हैं आपसे। मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में अभी सबसे मुश्किल जगह होती है गले पे फील्डिंग करना, और वहां जायसवाल खड़े होते हैं, जायसवाल ने जो गली में कैचेस ले रहे हैं, नो आगे ऐसे डाइव मार रहे हैं, पीछे ले रहे हैं, मेरे ख्याल से जायसवाल के पास बहुत पोटेंशियल है, वो दूर भी फील्डिंग करते हैं, आगे भी करते हैं, पर स्लिप में जो उनको जितना मैं देखा है अच्छे फील्डर बने जायसवाल, गली में इतना आसान नहीं होता, गली में बहुत तेज बॉल फ्लाई करती है, गली में ना ऐसे शॉट मारता है और बंदा ना बहुत करीब लगता है, एंगल का ऐसा होता है कि उसको आगे लगना होता है, फर्स्ट स्लिप तो बहुत पीछे होती है, सबसे आसान काम अगर स्लिप एरिया में कैच करने वाला है वो है फर्स्ट स्लिप, वो कीपर से ही पीछे खड़ा होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा वक्त होता है, टाइम है, पर गली क्या होता है, गली आगे होती है, उसको पता है कि मोटा एज जाएगा, थिक एज के लिए खड़ा होता है वो, तो फ्लाई करती है बॉल, वहां जायसवाल बहुत शानदार दिखे, और ओवरऑल फील्डिंग अच्छी हो गई, स्लिप कैचिंग की बात करूंगा, बहुत काम आने वाली स्लिप कैचिंग, बुमराह लेके बॉल चलेंगे, अगर निक कराया वहां पे विराट कोहली सेकंड स्लिप पे होंगे, शुभमन गिल होंगे, रोहित शर्मा तो मिड ऑफ पे खड़े होते हैं, स्लिप पे नहीं होते, पर ज्यादातर गिल, विराट कोहली, जायसवाल, ये 3 लोग खड़े होते हैं वहां पे, तो मेरा मानना है वो बहुत ही बिजी एरिया होगा इस श्रृंखला में, बीजीटी की बात कर रहा हूँ।
और क्या, और किस चीज पे आप बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यार फिर दोबारा से विराट कोहली की बात करूंगा। विराट कोहली के ऊपर ना बहुत सवाल आ रहे हैं और लोग लग रहा है विराट कोहली ना अभी उनका करियर का एंड है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, नहीं है। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। विराट कोहली स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, देखिए एक बार मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ, जिमी एंडरसन का। हाँ, जिमी अच्छा, एंडरसन ने उनको बहुत तंग किया था जब वो इंग्लैंड गए थे। वहां पे भाई उसने ये बता दिया कि तुम्हारे बल्लेबाजी में कमजोरी है, तुम ड्राइव नहीं मार सकते। अगर वो ऐसे खेलने जाओगे और स्विंग करते तो वो बिल्कुल निक करके कॉट बिहाइंड कॉट बिहाइंड। भाई उसको समझ भी नहीं है विराट कोहली को इसको कैसे झेलना है कैसे खेलना है। वो टूर बहुत ही बुरा था, खराब टूर था। दोबारा बंदा जब अगले बार गया वहां, आप रिकॉर्ड निकाल के देख हाँ, लो क्या हशर किया वहां एंडरसन का, क्या हशर किया इंग्लैंड का। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो अभी 10 दिन जो मिले हैं विराट कोहली वहां पहुंच गए, ये पॉइंट टू प्रूव है। वहां पहले वो जा चुके हैं, बाउंसी पिचेस पे खेलना आता है, फॉर्म नहीं है फर्क नहीं पड़ता, पर रन्स है। वो रिकॉर्ड है 13,000 रन टेस्ट क्रिकेट में बना चुके हैं भाई। 13,000 रन मामूली, सॉरी ओडीआई की बात कर रहा हूँ, 9,000 बना चुके हैं टेस्ट मैच में। 9,000, 13,000, आप कोई मामूली ये बच्चे की बात नहीं हो रही है, ये विराट कोहली द लेजेंड की बात कर रहे हैं। प्रेशर है उनके ऊपर, बिल्कुल प्रेशर है, पर मेरा मानना है कि ये जो मैं वीडियो ना आप ये सेव करके रख लेना, जब ये श्रृंखला खत्म होगी हम विराट कोहली की बातें करते हुए थकेंगे नहीं, उनके तारीफें करते हुए थकेंगे नहीं, ये गारंटी है। ये मैं सेव करूं या ना करूं, इंटरनेट पे हर चीज सेव हो जाती है और लोग वो सब रखते हैं संभाल के। अब हाँ जब अगर रन नहीं आएंगे डाल ना, तो यही देना, क्लिप आप देखोगे। नहीं, मैं नहीं डालूंगा। दिखा बहुत लोग देना, होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल। कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं, मैं आपका वो क्लिप डलेगा वो उसके लिए अभी 1.5 महीना है। नहीं, इसमें देखिए एक ही सवाल है। आपने बिल्कुल वाजिब बात की है कि देखिए विराट प्रोवन प्लेयर है, और अभी देख वो जो शुरुआत में जो आपने कहा ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, वैसे टाइप की सिचुएशन इंडियन टीम के साथ है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इसके बारे में बात कर ही रहे हैं कि भाई विराट से पंगे मत लेना, जो भी है बोलना मत, कुछ चुपचाप खेलते रहो, प्यार से रहोगे तो शायद आउट भी हो क्योंकि ना जाएंगे, देखिए, नाराज मत मैं आपको करना। बोलता हूँ रीजन क्या है। मैं बोलता हूँ आपको, देखिए स्टार्क क्या करते हैं, स्टार्क ना बॉल को शेप करके अंदर लाते हैं। विराट कोहली को सबको पता है, जग जाहिर है कि उनको मिडॉन पे खेलना, टांग पे खेलना, फ्लिक करना, अच्छा यहाँ से लगता है। बहुत रन बटोरते हैं, हाँ, वो उनकी ताकत है। तो मैं तो देख रहा हूँ स्टार्क को संभाल लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ हेजलवुड पे, आ जाओ हेजलवुड की बॉल ना ऐसी, उनका जो सीम होती है पड़ के अंदर ही आती है, कोई ऐसा शेप नहीं कराता, पड़ के अंदर आती है। और ये तीनों जो गेंदबाज है, कमिंस की बॉल भी लेग कट होती है, ऐसे आती है फिर बाहर निकल, जो पुजारा को जब परेशान किया था लेग कटर पे, कॉट बिहाइंड कई बार हुए थे, एंगल ऐसे आती है पड़ के सीधा होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो जो स्टंप की बॉल है ज्यादा, जो अटैक करते हैं तीनों गेंदबाज, तेज गेंदबाज स्टार्क हेजलवुड कमिंस, वो स्टंप पे अटैक करते हैं। और स्टंप की बॉलें विराट कोहली बहुत शानदार खेलते हैं। उनका अगर वैगन व्हील देखे हैं करियर का, कि ऑन ड्राइव लेग साइड फ्लिक करना, वो बहुत शानदार करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि वहां उनको बॉलिंग मिलेंगी जहां वो रन बटोर सकते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों गेंदबाज की मैंने बात करी, ये अग्रेसिव गेंदबाज है, इनको बाउंसर मारना पसंद है, इनको यू नो आई कांटेक्ट करेंगे थोड़ा डराएंगे। और वो जोन में जब विराट कोहली जब सामने को ऐसा करता ना कि आई कॉन्टेक्ट डराएगा धमकाएगा, तब अपना बंदा वो बेस्ट खेलता है। विराट कोहली का बेस्ट तभी निकल के आता है जब उसे कोई तो बाउंसर मारे और ऐसे नो हाँ, आग दिखा के निकल जाए, तो वो बेस्ट खेलते हैं। मेरा मानना है इसीलिए विराट कोहली को मैं अभी भी बैक कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल चुके हैं पहले भी और इस बार भी अच्छा खेलेंगे। इसमें बस दो ही सवाल जो मैं आपको कह रहा था कि बात आपकी पूरी वाजिब है कि वो पहले भी कमबैक 2014 इंग्लैंड का आपने एग्जांपल दिया। सिर्फ यहां अगर कोई सवाल खड़े होते कि भाई वो एक युवा विराट कोहली थे, अब ये सीनियर विराट कोहली है। कई बार इस उम्र में आके उतना कमबैक आसान नहीं होता, ऐसा नहीं कि रन नहीं आते। सचिन तेंदुलकर ने भी रन बनाए थे लगातार, उन्होंने बैड फॉर्म के बाद भी अच्छा फॉर्म दिखाया था, तो वो आ सकते हैं। एक चीज वो, दूसरा जो आपने बताया था कि विराट कोहली तभी परफॉर्म करते हैं जब थोड़ा उनको गुस्सा आए, है ना। वो मुझे याद है उनको बाउंसर मारी थी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जो थे, स्लिंगी, मलिंगा मलिंगा, नहीं, ऑस्ट्रेलिया के, हाँ मुस्टैश, शॉर्ट अरे हेड, बड़े थे, शॉर्ट हेड, नहीं, लेफ्ट आर्म एकदम मिचेल तेज, मिचेल हाँ जॉनसन, मिचेल, हाँ। तो उसके बाद जो उन्होंने उनकी पिटाई करी है, वो है ना, हेलमेट पे मारा उसके बाद,
लेकिन फर्क क्या था, अब वो विराट कोहली भी वो गुस्से वाले गुस्सैल दिल्ली के विराट कोहली नहीं है ना, अब तो काम है, वो बड़े काम इंसान है, वो अब कहते हैं ठीक है यार लड़ाई होती भी तो काम तरीके से हैंडल कर लेते हैं, स्पिरिचुअल विराट कोहली नजर आ रहे हैं। तो क्या अब जब उनको फायर करोगे तो वही आग निकलेगी? देखिए मेरे लिए ना विराट कोहली का 10 दिन पहले वहां पहुंचना एक बहुत बड़ा साइन है कि अब उनको ये लग गया भाई कि मुझे ना मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस अगर मुझे ये जोन से निकलना है, आउट ऑफ फॉर्म हो रहा, 2-3 साल हो गए, बहुत लंबा सफर हो गया जहां बड़े बड़े स्कोर नहीं है उनके बल्ले से, वहां उनका पहुंचना। अब मैं वेट करूंगा कि कितना नेट सेशन करते हैं, अभी कितना टाइम बिताते हैं, क्या रोज बैटिंग कर रहे हैं, क्या ऑल्टरनेट डेज बैटिंग कर रहे हैं। अब उनको, मेरा मानना है कि उनको पुराना विराट कोहली बनना पड़ेगा, जहां ना वो, मैं आरसीबी में उनके साथ था, आरसीबी में जब मैं 2 साल उनके साथ था, तो विराट कोहली धर्मशाला में एक मैच था और हम एक दिन पहले पहुंचे और धर्मशाला थोड़ा ठंड थी तो अलग कंडीशन थी, हमारा नेट स्टार्ट हुआ, भाई ने कम से कम 3 घंटे बैटिंग करी होगी, अंधेरा हो गया, सब लोग चले गए, वो छक्के पे छक्का मारा, हम लोग बोले भाई विराट सब जा रहे हैं, तो उसने बोला आप लोग चलो मैं अलग कार से आता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टीम बस को भेज दिया, जो नेट बॉलर थे, जो उनके हेल्पर थे, वो क्योंकि क्योंकि वो भूख थी, वो अच्छा करने की चाह थी, यार मुझे ना नो लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी, रन नहीं बन रहे, या अलग कंडीशन है, यहाँ हाई एल्टीट्यूड पे आए हैं तो हालात को युष्ट होने के लिए मुझे घंटों खेलना पड़ेगा, वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा। अगले मैच, सॉरी मैं अब कहानी खत्म करता हूँ, नेक्स्ट मैच में 70 मारे धर्मशाला में, नेक्स्ट जो मैच हुआ 70 मार के मैच जिताया। तो मुझे लगता है कि जहां भी वो उसी मानसिकता से उतरना पड़ेगा जहां वो पुराने विराट कोहली दिखे, घंटों अभ्यास करे, घंटों बैटिंग करे, पसीना बहाए। अब ना इस फेज में कभी कभी बंदा होता है कि यार 36 साल का हो रहा हूं, मैं मैनेज कर लूंगा, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि यार मैनेज करने में आप फंस जाओगे कि मैं निकाल लूंगा। मेरा मेरा मानना है कि जब पर्स में जो दो जो सौ जो शतक आया था ना, वो विराट कोहली ने पिछली बार 2018 में, आई थिंक वो छठे ओवर में बैटिंग करने आए थे, 80 ओवर के बाद आई थिंक 81वां ओवर था, ड्राइव मारी थी मिचेल स्टार्क को और तब शतक बना था उनका, मतलब पूरे अच्छा, उन्होंने मुझे बिना याद है। बॉल 80 ओवर खेले थे भाई ने, 80 ओवर तक वो पर्स में बैटिंग कर रहे थे फिर शतक आए। तो मेरा मानना है इस बार भी विराट कोहली को वो पुराना विराट कोहली बनना पड़ेगा कि मैं युवा हूं, नया हूं, मुझे हार्डवर्क करना, 90 ओवर खेलने हैं और कुछ चीजों को सेक्रीफाइस भी करना है, ईगो को शांत रखना है। सचिन तेंदुलकर से बड़ा एग्जाम्पल नहीं भाई, अगर सचिन ने तय कर लिया कि इस मैच में कवर ड्राइव नहीं मारूंगा तो फिर वो नहीं मारेंगे। वैसा स्पेल बीच में आता है जहां विराट कोहली ईगो में ना, अरे तू ये रे चौका, वो फेंक दिया बैट, नहीं, अगर वो कुछ चीज कमी लग रही है, आप आउट ऑफ फॉर्म हो, तो आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा, कई शॉट आपको छोड़नी पड़ती है, कई शॉट आपको आपको जान बॉल लीव किया जो काम सचिन कर चुके हैं। तो अगर उस एग्जाम्पल पे चलेंगे जहां ईगो को पीछे रखेंगे और तपस्या मेहनत हार्डवर्क पे बिलीव करेंगे, उनका उनके रन बन जाएंगे। चलिए जाते जाते दो तीन अच्छे कमेंट ले रहा हूँ। कंचन यहाँ कह रहे हैं, हाय कैफ, यू आर माय फेवरेट क्रिकेटर, बेस्ट फील्डर। एक डॉक्टर चेतन जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त 1 बज रहे ब्रिस्बेन में, मैं वहां से आपको देख रहा हूँ। थैंक तो यू सो मच चेतन, थैंक हाँ, यू तो फॉर यही जॉइनिंग है बस। अस। यही तो अभी काम क्या क्या है, बाय करें, बाय किया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बोल दो यार, इतने अरे लोग थैंक जुड़ते हैं हमारे यू साथ, सबका यार सबका टाइम बहुत बहुत निकालते शुक्रिया। हैं। अब कैफ के आप उनके YouTube चैनल पे जाइएगा, अगली बार ये वीडियो भी आपको वहां मिलेगा। बस बता दीजिए नाम, बताइए, क्रिकेट विद कैफ है ना? क्रिकेट विद कैफ 11, जो मेरा जो जो मेरे टी शर्ट की जर्सी नंबर था 11, ओ सचिन क्रिकेट का विद 10 था, मेरा 11 था और युवराज का 12 था, युवराज सिंह का 12 था, हाँ मैं मतलब बीच में हूँ, सचिन का 10, मैं 11, युवराज सिंह 12, मतलब दो महान प्लेयर्स के बीच से मैं 10 वाह 11 नंबर की जर्सी के साथ खेला कई साल। तो भाई जो जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई कि भाई भारत के लिए खेलना है, और ऐसे प्लेयर जो लेजेंड के साथ खेल के अपनी जो जो मेहनत थी पूरी वो कामयाब रही। अब आपको YouTube चैनल पे मेहनत करनी है अब। आइए आइए, सवाल वहां लेके आइए, ये सब वीडियो वहां अपलोड करेंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं, और अगली बार फिर जुड़ेंगे जल्दी, हालांकि बहुत अच्छे से सवाल आते हैं, हाँ पर अभी ये श्रृंखला जब आगे बढ़ जाएगी, पर्थ का निर्णय आ जाएगा,
उसके बाद टीम आगे बढ़ेगी, फिर और चीज और बात करने होगा हमारे पास। तो थैंक यू सो मच सबको जो हमारे साथ जुड़े और वक्त बिताया, बहुत मजा आया। निखिल नाथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।